नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत दुर्गा विहार में। और दुर्गा विहार में किसी कारणवश मैं राउंड पे था और आज अभी देख रहा हूँ इस एरिया में DDA रजिस्ट्रेशन का कैंप, यानी कि आप जो अनधिकृत बस्ती अनधिकृत कॉलोनियों को जानते हैं, संगम विहार भी उसमें सम्मिलित है। और संगम विहार वासी हो चाहे जो भी आसपास के एरिया में, DDA के द्वारा लगातार रजिस्ट्रेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं। इस कड़ी में मैं जब इधर से गुजर रहा था, थोड़ा दिखाना चाहूंगा यहाँ पर भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के माध्यम से अरुण त्रिपाठी जो है प्रदेश सचिव है, और जहां तक जानकारी जुटा पाया हूँ मैं, इनके माध्यम से ये DDA कैंप दिखा सकता हूँ। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा उस साइड दिखाया जाए। आप ये देख सकते हैं संडे का दिन है, अमूमन लोग घर में रहते हैं और DDA का रजिस्ट्रेशन एक इम्पोर्टेंट एक आपका हिस्सा है। अगर आप घर जमीन को पंजीकृत करना चाहते हैं, आने वाले दिनों में उसमें लोन लेना चाहते हैं, और भी तमाम सारे DDA में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सुविधा मिलेगी, तो ये रजिस्ट्रेशन कैंप बहुत जरूरी है। और इस सुविधा को देने के लिए आज भारतीय मानवाधिकार के जितने भी टीम के सदस्य हैं, पांडे जी हैं, हरिंदर जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर आप सभी का। त्रिपाठी जी, कैसे क्या बोलना चाहेंगे, क्या कुछ ये रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरीके से प्लानिंग रही है इन दिनों? आप लोगों को लगातार देखा जा रहा है कि आप लोग जन कल्याण के लिए अनेकों कैंप लगा रहे हैं, आज इस कड़ी में थोड़ा सा बताएं क्या कुछ किए हैं आप। यहाँ पर उपस्थित हमारे मानवाधिकार एसोसिएशन के कार्यकर्ता, यहाँ पर उपस्थित DDA के अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं सम्मानित नागरिकों, दिल्ली प्रदेश की जनता को मैं भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से और अपनी तरफ से आगामी नौ वर्ष की लोहड़ी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे पास यहां पर बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम थी कि यहां पर प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत हम लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसमें हमारे पास लिखित रूप से भी शिकायतें आई थी और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भी यहाँ पर जा जा करके लोगों के सर्वे भी किया और यहाँ पर घर घर जा करके उन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाया। इसके बाद कि अभी यहाँ पे ये नहीं पता था लोगों को कि यहाँ PM उदय योजना है क्या चीज, तो इस जागरूकता के तहत हम लोगों ने बताया कि PM उदय योजना के अंतर्गत जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जो कच्ची कॉलोनियां हैं, उसका प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उनको मालिकाना हक DDA के द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत हमने DDA के अधिकारियों से भी बात किया तो उन्होंने हमारी बातों को माना और आज यहां पर DDA कैंप का आयोजन हो पाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करवाया और आगे भी यह अभियान हम लोगों का जारी रहेगा, चाहे वो वैक्सीनेशन कैंप हो, चाहे वो स्वच्छता से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो DDA कैंप का आयोजन हो PM उदय योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कच्ची कॉलोनी का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रेशन का हो, तो हम लोग निरंतर लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। इनमें और सारे बहुत सारे मेंबर हैं, हरिंदर जी आप भी काफी इनिशिएटिव लेते हैं और दुर्गा विहार के निवासी भी हैं आप। जो सर्वे की बात कर रहे थे, लोगों के रजिस्ट्रेशन कई बार रुके भी हैं, प्रॉब्लम भी है, और पैसे की बात करें कोई ऊपर कोई नीचे प्राइवेट कंपनी से भी हो रहा है, तो आपको भी पता है दिक्कत है, तो कैसा आपको पता चला और आप इतने लोगों को आज मदद किए हैं, क्या कुछ विचारधारा रही है? एक्चुअली मैं ये बताना चाहूंगा कि काफी दिन से मेरे से कई लोगों ने ये पूछा था, बोले जी ये रजिस्ट्री जो होती है कैसे होती है, और इसके अंदर मैं भी खुद कंफ्यूज था। देखना पड़ता है तो ये किसी के साइन नहीं होते थे, किसी के गारंटर के साइन नहीं थे, किसी का कोई पेपर के अंदर कमी थी, तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और लोग इतने परेशान थे जो बार बार इधर से उधर चक्कर काटते थे लेकिन उनका कोई कार्य नहीं होता था। तो हमने भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से लिखित में शिकायत की और उसके बाद में फिर ये कैंप लग पाया है। DDA के अधिकारी आए हुए हैं,
और ये सभी लोगों का निदान कर रहे हैं यहाँ पे, जो किसी भी तरह से किसी को भी कोई तरह किसी तरह की समस्या है सारे पेपरों को चेक करके या सर्वे करवा के, सर्वे टीम भी इनके साथ में है और इनका सिस्टम सारे लेके आए ही है और हर तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। और हम भी दुर्गा विहार के निवासी होने के नाते या आसपास के क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम आती है उनको देखते हैं और उनके कार्य में जुटते हैं जी। और भी थोड़ा पांडे जी रुकिएगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर ये जो सर्वे टीम्स आए हैं थोड़ा सा कुछ सरंजाम लेके आए, तो इनसे भी पूछता हूँ। ये जो देख सकते हैं ये जो मशीन है, इस मशीन के बारे में ये जो ये देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में भी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है वो भी बताया गया है बिल्कुल साफ साफ तरीके से। और ये कौन बनेगा जी सर, ये कौन सी मशीन है? ये सैटेलाइट कनेक्शन मशीन है, सैटेलाइट कनेक्शन मशीन है। आज जो दुर्गा विहार में आए हैं तो आपको कैसा लगा इस इनके जो व्यवहार है ह्यूमन राइट्स के माध्यम से, आपको अच्छा लगा? कैसा लगा? बढ़िया मैनेजमेंट, सही रहा? मैनेजमेंट अच्छा रहा, मैनेजमेंट अच्छा रहा। तो क्या लगता है संगम विहार और दुर्गा विहार क्षेत्र में ये जो ह्यूमन राइट्स वाले जो काम कर रहे हैं जनता को फायदा होगा? हाँ, बेनिफिट होगा सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, उसी के लोगों में जागरूकता फैल रही है। वो ये आप देख सकते हैं मानवाधिकार एसोसिएशन के माध्यम से, यानी कि भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के माध्यम से बहुत अच्छा काम है। जी जी, बात जरूर करूंगा। पांडे जी आप भी सदस्य हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और क्या कुछ आप आगे के लिए बोलना चाहेंगे? सर देखिए, जैसे कि हमारे सचिव ने बताया है आपको कि इतनी ज्यादा समस्याएं थी इसको लेके कि लोगों को जागरूकता भी कम है, लोगों को पता भी नहीं था करना क्या है। अभी जब हमारे मानव अधिकार एसोसिएशन की तरफ से कैंप लगाया गया है तो यहाँ मुझे लगता है कि 500-700 लोग आए हैं। जानकारी लेने के बाद 101 लोगों का यहाँ बकायदा उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनके पेपर स्कैन हुए, उनका काम भी हुआ है, लेकिन साथ साथ लोगों को जानकारी भी दी जा रही है कि क्या क्या समस्या है, कैसे उसका निदान होगा, कहाँ आपको गांवों के साइन कराने हैं, कहाँ आपको वकील से कौन सा पेपर बनवाना है, ये सब कार्यक्रम चल रहा है। और उम्मीद करते हैं हम आगे भी और भी यहाँ कैंप लगवाएंगे और लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, और जो भी मानव अधिकार हमारी तरफ से हो सकेगा उनके मानव के अधिकार के लिए, उनके मौलिक अधिकार के लिए, उनको मालिकाना हक मिलने के लिए हर तरह से अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनका मालिकाना हक मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले जी। तो ये देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आप भी कराइए सर, आप भी मानवाधिकार एसोसिएशन के हिस्से हैं, और इतने बड़े कार्यक्रम आपने पहले कही 2-3 कार्यक्रम मैंने आप लोगों का देखा भी है, इस कड़ी में आज भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो कैसा रहा, कितने लोग आज आए, उपस्थिति दर्ज हुई, और डीडीए का कितना बढ़िया सपोर्ट रहा जो आप लोगों ने उम्मीद करी थी कि डीडीए वालों ने उतना दिया आपको सपोर्ट? बिल्कुल दिया जी, और सुबह से लगे हुए हैं सारे कार्यकर्ता डीडीए के, बाकी हम लोग भी उनके साथ हैं, जो भी काम हो रहा है सही हो रहा है, सुबह से 500-700 आदमियों का काम हो गया है, बहुत बढ़िया। यहाँ सर्वे वाले भी हैं, यहाँ सर्वे वाले भी अवेलेबल है, हम लोग हाथ के हाथ रजिस्ट्रेशन करा के हाथ के हाथ सर्वे भी करा रहे हैं, हाँ। जिससे उनको टाइम न लगे और फटाफट उनका काम हो। जी जी, यहाँ आओ रजिस्ट्रेशन कराओ और हाथ के हाथ सर्वे वाला आपके साथ जाएगा, उसी वक्त आपका सर्वे करेगा और रिपोर्ट आपको सर्वे। क्या बात, बढ़िया जी। ये सारा का सारा फ्री है डीडीए की ओर से। अच्छा, फ्री में निशुल्क, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता है। आप लोग मानवाधिकार एसोसिएशन के कुछ फीस वगैरह है क्या? नहीं, आपके तरफ से भी कुछ नहीं? हमारी तरफ से एकदम फ्री है, बल्कि यहाँ तक ही अपना खाना और पानी तक भी अपना लेके आए डीडीए वाले, हमें उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी इन लोगों के लिए कि जो हम इनको खाना या वो पानी भी पिला सके जी। ये हमने इनसे बात करी थी तो इन्होंने कहा हम सारा कुछ अपना लेके आएंगे। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहूंगा अपने दुर्गा विहार निवासियों के लिए, जो हमारे निवासियों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसको ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंग भी कार्य करेंगे और हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसी भी तरह कोई दिक्कत आ रही है, कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही है, कोई सी भी समस्या है तो इनके सारे अफसरों के नंबर हमारे पास है, डायरेक्टर का नंबर हमारे पास है, हम उनकी बात करा देंगे, उनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी जी। और कहीं से कोई भ्रष्टाचार का भी कोई मुद्दा आता है तो वो भी हमें सूचित करें। से मानव के जितने भी जीवन के अंदर जो भी समस्याएं हैं और किसी तरह से कोई सरकारी अधिकारी हो या कैसे भी हो उसका कार्य नहीं हो पा रहा हो, लेकिन लीगल कार्य के लिए हम सिर्फ लीगल कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, अनलीगल कार्य के लिए हम कार्य नहीं करेंगे।